Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to the Fundamentals of Organic Chemistry course. Today we are going to study about the Huckel rule. So, we were studying the aromatic hydrocarbons and uh, we already studied about the stability of benzene and its different reactions than normal alkenes, etc. So, in this lecture, we are going to study uh, about the Huckel rule and uh, Aromatic and anti aromatic compounds. So uh, the first is the Huckel 4n2 rule. In 1931, Erich Huckel, a German chemical physicist, elucidated with molecular orbital arguments the criteria for this sort of stability, which has come to be called aromaticity. Using Huckel's criteria, we can define aromaticity more precisely and remember again that aromaticity has nothing to do with odor. and this definition has allowed chemists to recognize the aromaticity of many compounds in addition to benzene. so 1931, this german uh, chemical physicist, tha, Eric Hückel, a arguments a se, criterion set kiya, se hum aromaticity ko properly defined, is compounds ऑर्डर uh, रखते हैं या इनकी ये ख़ास स्मेल होती है उनको एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं लेकिन हकल ने ऑर्बिटल uh, क्राइटेरिया uh, की मदद से आर्गुमेंट्स की मदद से ये सेट किया कि एरोटिसी का ऑर्डर से कोई ताल्लुक नहीं है सो so, इस डेफिनेशन की वजह से हमें बेंजीन के अलावा भी बहुत सारे कंपाउंड्स को एरोमेटिक uh, या नॉन एरोमेटिक डिसाइड करने में कामयाबी मिली सो अकॉर्डिंग टू हकल रूल अ कंपाउंड इज सेट टू बी एरोटिक वैन इट मीट्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया ये कुछ क्राइटेरिया उसने सेट किया चार पॉइंट्स हैं अगर ये चार पॉइंट्स कोई कंपाउंड सेटिसफाई करता है तो वो कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड होगा अब ये चार क्राइटेरिया कौन कौन से हैं सबसे पहला क्राइटेरियन एरोमेटिक कंपाउंड कंटेन वन आर मोर रिंग्स दैट है साइक्लिक अरेंजमेंट ऑफ पी ऑर्बिटल्स दस एरोटिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सर्टन साइक्लिक कंपाउंडस इसका क्या मतलब है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स में एक या ज़्यादा रिंग होना लाजमी है अगर किसी कंपाउंड के अंदर रिंग नहीं है कोई स्ट्रेट चैन स्ट्रक्चर है तो उसको हम एरोमेटिक नहीं कहेंगे ये पहला रूल सेट हो गया कि कंपाउंड के अंदर साइक्लिक अरेंजमेंट होनी चाहिए पी और बिटल्स की वो अगर वैसे कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स हैं स्ट्रेट चैन कंपाउंड के अंदर तो फिर उसको हम एरोमेटिक नहीं कह सकते क्योंकि वो पहले क्राइटेरियन भी पूरा नहीं उतरता सेकेंड वन इज़ एवरी एटम ऑफ एन एरोमेटिक रिंग हैज़ अ पी ऑर्बिटल दूसरा क्राइटेरियन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो रिंग होगा एरोमेटिक उसके हर एटम के पास एक पी ऑर्बिटल होना चाहिए यही पी ऑर्बिटल्स बाद में आपस में ओवरलैप करके तो एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाते हैं लिहाजा कंपाउंड नंबर वन साइक्लिक होना चाहिए और नंबर टू उसके पास एक पी ऑर्बिटल होना चाहिए थर्ड पॉइंट इज़ एरोमेटिक रिंग्स आर प्लैनर एरोमेटिक रिंग्स जो है ना वो एक प्लान में होंगे बिल्कुल वो आउट ऑफ प्लान नहीं होंगे उनके सारे पी और बिटस बिल्कुल एक प्लान के अंदर अरेंज होंगे तो जिस तरह आप एक पेपर को देखें पेपर प्लानर है मतलब वो आप साइड से देखें तो बिल्कुल आपको सीधा नज़र आता है उसकी कोई ऐसी ब्रांच नहीं जो अबव या बिलो से निकली हुई हो जो कि आपको किसी टाइम सामने से हाइड हो जाए तो एरोमेटिक रिंग्स जो हैं वो प्लानर होंगे चौथा जो रूल है ये एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट है जो कि हकल ने डिफाइन किया और जिसकी वजह से हम डिसाइड uh, करते हैं कि ऑर्बिटल्स की बेस पे कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है ये क्या कहता है द साइक्लिक अरेंजमेंट ऑफ पी ऑर्बिटल्स इन एन आर्मेटिक एरोमेटिक कंपाउंड मस्ट कंटेन फोर एन प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन्स वेयर एन इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन अदर वर्ड्स एन एरोमेटिक रिंग मस्ट कंटेन टू सिक्स टेन एंड सो ऑन पाई इलेक्ट्रॉन्स ये क्या कहता है चौथा क्राइटेरियन के जो साइक्लिक अरेंजमेंट है उन पी ऑर्बिटल्स की जो अभी हमने डिस्कस किया वो उस में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फोर एन प्लस टू होने चाहिए और एन कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए एन की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर आनी चाहिए फ्रैक्शंस में नहीं आनी चाहिए इस चीज़ को समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल सॉल्व करते हैं बेंजीन के लिए वो अगली स्लाइड पे हम उसको सॉल्व करेंगे फिर आपको समझ आएगी कि एन की वैल्यू हमने कैसे निकालनी है इन सारे क्राइटेरियन को ये जो हमने क्राइटेरिया पढ़े दीज आर ऑल ऑफ़न कॉल्ड एज दी हक्कल रूल और फोर एंड प्लस टू रूल ठीक है ये जो क्राइटेरिया हैं इनको हम हकल रूल हक्कल फ़ोर टू रूल या सिर्फ फ़ोर प्लस टू रूल भी कहते हैं तो जो कंपाउंड इन चार क्राइटेरिया पे पूरा उतरेगा वो कहलाएगा। लाइज इन दालिक्यूल थे थियरी होल्ड दैट एरोमेटिक स्टेबिलिटी इज ऑब्जर्व ओनली एरोमेटिक साइकिल मालिक्युलरबिटल थियरी है ये क्या बताती है कि जो एरोमेटिक स्टेबिलिटी है ये खास क्यों है कि इसमें कंटिन्यूअस साइकिल होता है पी ऑर्बिटल्स का और पी ऑर्बिटल बीच में एक भी मिस नहीं होना चाहिए जितने आइटम्स पी ऑर्बिटल होने चाहिए और इकट्ठे ही ओवरलैब्ड होने चाहिए आपस में इस वजह से इन कंपाउंड्स की एक खास स्टेबिलिटी आती है और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है इनके पास द थ्योरी ऑल्सो रिक्वायर्स दैट द पी ऑर्बिटल्स मस्ट ओवरलैप टू फॉर्म पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल्स दूसरी चीज कि ये पी ऑर्बिटल्स सारे एटम्स के पास होंगे और फिर उनको आपस में ओवरलैप भी करना चाहिए ताकि वो पूरा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना सकें तो इसके लिए ज़रूरी है वो वो कब आपस में आ, सारे ओवरलैप कर सकते हैं जब एरोमेटिक रिंग प्लानर होगा प्लानर नहीं होगा तो ओवरलैप वो 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 नहीं कर सकते हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन के बारे में साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन जो है प्लैनर नहीं है टब शेप्ड है इस वजह से उसके ईर्बिटर जो हैं वो आपस में ओवरलैप नहीं कर सकते तो इसलिए जहाँ पे प्लेनरिटी नहीं होगी वो भी कंपाउंड एरोमेटिक नहीं हो सकते अब हम बेंजीन के लिए हकल रूल को ये जो फ़ोर एन प्लस टू है यहाँ से एन की वैल्यू निकाल के देखते हैं बेंजीन के अंदर आपको पता है टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तीन डबल बॉन्ड्स हैं और तीनों के पास दो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो टोटल इसके पास छः पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो फ़ोर एन प्लस टू इज़ टू सिक्स हम लिखेंगे यहाँ से अगर एन की वैल्यू आप निकालें ये टू को उधर ले जाए सिक्स माइनस टू हो जाएगा फिर फोर को अगर उधर ले जाए तो डिवाइडेड बाई फोर हो जाएगा तो एन की वैल्यू वन आ जाती है चूँकि ये एक पॉजिटिव इंटीजर है लिहाजा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन बेंजीन इज़ एन एरोमेटिक सिस्टम तो एन की वैल्यू अगर पॉजिटिव और इंटीजर आ जाती है जीरो है वन है टू है इस तरह है तो वो डेफिनेटली एरोमेटिक सिस्टम होगा अगर इनकी वैल्यू इंटीजर नहीं आती तो सिस्टम एरोमेटिक नहीं होगा नेक्स्ट इज़ दैट एरोटिक सिटी इज़ नॉट कन्फाइंड सोलली टू हाइड्रोकार्बन्स एरो सिर्फ हाइड्रोकार्बनस के साथ खास नहीं है कि जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो वही रिंग्स एरोमेटिक होंगे ऐसी बात नहीं है देर आर सम हाइड्रोसाइकलिक कंपाउंडस बिच आर एरोमेटिक फॉर एग्ज़ाम्पल पेरीडीन इन पायरोल आर बोथ एरोमेटिक नाइट्रोजन कंटेनिंग हिटरोसाइकल तो हिट्रोसाइकल क्या होते हैं ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी कोई एटम आ जाए उनको हिट्रोसाइकल्स कहते हैं और पेरीडीन और पायरोल दोनों हिटरोसाइकल्स हैं और ये आरोमेटिक भी हैं अब ये आरोमेटिक कैसे हैं इस चीज़ को हम देखते हैं एक्सेप्ट फॉर द नाइट्रोजन इन द रिंग द स्ट्रक्चर ऑफ पिरीडीन क्लोजली रिजेंबल्स दैट ऑफ बेंजीन अगर आप पिरीडीन को देखें नाइट्रोजन के अलावा अगर नाइट्रोजन को हटा दें आप देखें तो बाकी तो बेंजीन रिंग ही बचता है मतलब इसका स्ट्रक्चर बेंजीन से बहुत क्लोजली रिजेंबल करता है इस नाइट्रोजन के अलावा अब ईच एटम इन द रिंग इंक्लूडिंग द नाइट्रोजन इज अ पार्ट ऑफ अ डबल बॉन्ड एंड देयर फॉर कंट्रीब्यूट्स वन पाई इलेक्ट्रॉन। अब जो आ, हर पार्ट है डबल बॉन्ड का आप इसमें देखें ये हर कार्बन वो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है ये वाला भी कनेक्टेड है ये वाला भी कनेक्टेड है ये वाला आइटम भी, भी ये तो हर कार्बन आइटम इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड में एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो, तो टोटल छः जो ये रिंग हो गई ये पांच कार्बन है, एक नाइट्रोजन हो गया तो नाइट्रोजन भी डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है इट मीन्स ये भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसमें छः इलेक्ट्रॉन्स ये वाले हो गए अब ये जो लोन पेयर है इसके बारे में हम क्या करेंगे हाउ डज़ द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन नाइट्रोजन फिगर इन दी पी इलेक्ट्रॉन काउंट ये पी इलेक्ट्रॉन में इसका क्या हिस्सा है दिस इलेक्ट्रॉन पेयर रिजाइड इन एन एस पी टू ऑर्बिटल इन द प्लान ऑफ द रिंग अभी अगर आप देखें तो ये वाला जो ऑर्बिटल है ये एक एस पी टू ऑर्बिटल के अंदर है ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन पे और ये रिंग की प्लान के अंदर मौजूद है ये रिंग है ये आप ब्लैक वाला ये देखें जिधर ये माउस पॉइंटर आपको नजर आ रहा है ये रिंग है और इसकी प्लान के अंदर ये जो लोन पेयर है ये मौजूद है अब आप यहाँ पे एक चीज बड़े गौर से देखें ये पी और बिटल जो है ना वो इस तरह से हैं और ये रिंग ये जो लोन पेर है ये रिंग की प्लेन में है अब दिस इट हैज द सेम रिलेशनशिप टू दिडीन रिंग दैट एनी वन ऑफ द सी एच बोंड हैज इसका पिरीडीन रिंग से वही रिलेशन है जो कि किसी भी सी एच बॉन्ड का है मतलब हाइड्रोजन सारे इस तरह प्लेन में होते हैं जिस तरह आपको ये लोन पेयर नज़र आ रहा है सारे हाइड्रोजन इस तरह बिल्कुल प्लेन के अंदर होंगे हाइड्रोजन इस तरह आउटसाइड होते हैं और ये पी ऑर्बिटल जो हैं ये इस तरह बेंजीन के अगर रिंग को आप इस तरह सीधा रखें तो ये अबव और बिलो पी ऑर्बिटल उसके मौजूद होते हैं अब बिकॉज द नाइट्रोजन अनशेड पेयर डज नॉट ओवरलैप विद द रिंग्स पाए इलेक्ट्रॉन सिस्टम इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द इलेक्ट्रॉन काउंट अब चूंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के साथ ओवरलैप ही नहीं करता ये तो बिल्कुल साइड पे है ओवरलैप तो ये सारे आपस में कर रहे हैं इसलिए इसको हम पाई इलेक्ट्रॉन काउंट में शामिल नहीं करते ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है पाई इलेक्ट्रॉन्स को कैसे काउंट करना है तो इस चीज़ पर आपने बड़ा गौर करना है कि चूँकि ये उस प्लान के अंदर नहीं है आप प्लान को समझें आप सामने एक पेपर रखिए अपना मोबाइल फ़ोन रखें इस टेबल के ऊपर रख दें आप समझें कि वो बनजीन रिंग है अब ये जो पी ऑर्बिटल्स हैं ये अगर आप उसके ऊपर इस तरह की कोई चीज़ इस तरह खड़े कर दें तो ये सारे पी ऑर्बिटल होंगे लेकिन अगर आप मोबाइल फ़ोन के अंदर जैक के अंदर हेडफोन प्लग इन कर देते हैं तो कंसिडर के वो हेडफोन जो है ना वो ये है ये लोन पेयर है तो अब वो हेडफोन देखें कि उस मोबाइल की प्लान में है बिल्कुल उसके साथ हैं जबकि वो जो ऑर्बिटल्स हैं वो अबव और बिलो हैं तो वो उसके साथ इन ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप नहीं कर सकता तो इस तरह से ये जो ओवरलैप उसके साथ नहीं कर सकता वो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड में भी शामिल नहीं होगा लिहाजा अगर इसको निकाल दें तो बाकी छः पाई इलेक्ट्रॉन बचते हैं और अगर उनके लिए आप फोर इन प्लस टू सॉल्व करें तो एन की वैल्यू वन आती है इट मींस के पीरीडीन इज एन एरोमेटिक सिस्टम अब नेक्स्ट बारी है पायरोल की इन पायरोल द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन नाइट्रोजन इज अलीलिक अगर आप इसको देखें तो जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है ये अलीलिक लोन पेयर है यहाँ पे एक चीज़ आप दोबारा देख लें कि जो डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली एटम अटैच होता है वो विनाइलिक एटम कहलाता है और जो डबल बॉन्ड से एक पोजीशन छोड़ के आगे होता है ये अलीलिक होता है अब ये लोन पेयर अलीलिक है मतलब ये नाइट्रोजन पेयर अलीलिक पोजीशन है जिसके नेबर में डबल बॉन्ड है और यहाँ पे ये वाली विनाइलिक पोजीशन थी पीडीन के केस में तो के केस में हमने जो आखिरी बात पड़ी थी कि विनाइलिक प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स और डबली बॉन्डेड एटम्स आर नॉट काउंटेड एज इलेक्ट्रॉन जो विनाइलिक प्रोटॉन होंगे सॉरी इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये आप पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड में नहीं शामिल करेंगे बेंजीन के व्हाट अबाउट एलिलिक वंस जो अभी हमने देखा एलिलिक चूंकि पायरोल के ऊपर आप देखें ये वाला हाइड्रोजन है नाइट्रोजन के साथ तो ये जो इसका लोन पेयर है ये अलीलिक है अब इसमें होगा क्या ये नाइट्रोजन इधर भी सिंगली बॉन्डेड है इधर सिंगली बॉन्डेड है तीसरा हाइड्रोजन तो आपको पता है कि ये तीनों बॉन्ड जो हैं ये एक प्लेन के अंदर सेट होंगे अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये एक टू पी ऑर्बिटल के अंदर मौजूद है यहाँ पे नाइट्रोजन एस पी टू हाइड्रोडाइज नहीं है ये टू पी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के अंदर मौजूद है तो ये बिल्कुल उसी तरह ऑर्गेनाइज्ड है जिस तरह से ये सारे कार्बन के टू पी ऑर्बिटल्स ऑर्गेनाइज हैं अब यहाँ पे क्या होता है कि नाइट्रोजन हैज़ अ ट्रिगोनल जोमेट्री एंड एस पी टू दैट अलाउज इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू ऑक्यूपाई अ टू पी ऑर्बिटल एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू दी पाई इलेक्ट्रॉन काउंट यहाँ पे क्या होता है कि जो नाइट्रोजन uh, का लोन पेयर है वो टू पी ऑर्बिटल के अंदर मौजूद होता है और वो चूँकि उस प्लेन के अंदर मौजूद है और उनके साथ ओवरलैप कर सकता है ये जो आ, बेंजीन के पी ऑर्बिटल हैं कार्बन के इसलिए ये उसकी उसके साथ जो है ना इलेक्ट्रॉन क्लाउड के अंदर शामिल हो जाएगा एंड इन जनरल इलेक्ट्रॉन्स आर काउंटेड एज इलेक्ट्रॉन्स व्हेन दे रिजाइड सिचुएटेड फॉर ओवरलैप विद दी अदर पी ऑर्बिटल्स इन द मॉलिक्यूल तो ये बात याद रखनी है कि लीलिक प्रोटॉन जो होते हैं उनको पाई इलेक्ट्रॉन्स के तौर पे काउंट करते हैं कब जब वो उन ऑर्बिटल्स के अंदर रिजाइड करते हैं जो कि दूसरे पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर सकते हैं आप देखें कि ये एक ऐसे ऑर्बिटल के अंदर रिजाइड कर रहा है जो कि बाकी सारे पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर सकता है लिहाजा इस लिलिक जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हम पाई इलेक्ट्रॉन्स के तौर पर कंसिडर करते हैं लिहाजा पायरोल के पास भी छः पाई इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं ये देख लें आप हर कार्बन का एक एक चार ये हो गए और दो इसके लोहन पेयर के तो टोटल छ पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए अगर आप इनसे एन की वैल्यू काउंट करें तो वो वन आती है लिहाजा पायरोल रिंग इज ऑल्सो एरोमेटिक रिंग अब यहाँ पे आपने बड़ा केयरफुली देखना है कि हाउ वी हैंडल द इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑन द नाइट्रोजन ऑफ पिरीडीन एंड पायरोल दोनों को हमने डिफरेंट अंदाज में हैंडल किया द नाइट्रोजन इन पेरीडीन इज पार्ट ऑफ अ डबल बॉन्ड एंड द इलेक्ट्रॉन पेयर इज़ नॉट पार्ट ऑफ द पाईलेक्ट्रॉन सिस्टम जो नाइट्रोजन पिरीडीन के केस में थी वो डबल बॉन्ड का पार्ट थी मतलब डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड थी लिहाजा उसका जो लोन पेयर था वो पाए इलेक्ट्रॉन क्लाउड में इंक्लूड नहीं हुआ जबकि पायरोल के अंदर जो नाइट्रोजन है दैट इज अलेलिक मतलब डबल बॉन्ड से नेक्स्ट पोजिशन पे है एंड इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर इज़ पार्ट ऑफ द पाए इलेक्ट्रॉन सिस्टम तो ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है जो विनाइलिक डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन होगी उसका जो आ, उसके लोन पेयर जो है वो उसके इलेक्ट्रॉन्स के तौर पे काउंट नहीं होगा जो अलिलिक नाइट्रोजन होगी उसका जो लोन पेयर है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ शामिल होगा नेक्स्ट आते हैं ये तो थे एरोटिक हिट्रोसाइकल्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स नेक्स्ट होते हैं एरोमेटिक आयंस एंड नाउ एरोटिसिटी इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स

ये बेसिकली साइक्लोपेंटा डाइ है लेकिन इस कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो इसलिए इसको साइक्लोपेंटा डाइनाइल एनाइन कहते हैं और ये एरोमेटिक है ये किस तरह एरोमेटिक है ये आगे देखते हैं हम द साइक्लोपेंटा डाइनाइल एनाइन रिजेंबल्स पाइरोवर बिकॉज द एटम बियरिंग दिलिक इलेक्ट्रॉन पेयर इज कार्बन रादर देन नाइट्रोजन इट्स चार्ज इज माइनस वन अब यहाँ पे चूंकि नाइट्रोजन की बजाय कार्बन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर है एक्स्ट्रा तो इस वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है नाइट्रोजन के पास तो अपना लोन पेयर होता है तीन बॉन्ड बनाने के बावजूद तो उस पर कोई चार्ज नहीं होता लेकिन कार्बन चूंकि नाइट्रोजन से पहले आता है प्रयोडिक टेबल में इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है लेकिन यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए हैं इस वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया है तो ये इसमें आप देख लें कि वही सिचुएशन है दो ये दो ये पाई इलेक्ट्रॉन और ये दो इलेक्ट्रॉन पी औरबिटल के अंदर होंगे और वो पीअ औरबिटल के साथ ओवर लेप में होगा लिहाजा ये सिस्टम भी एरोमेटिक कहलाएगा जो कि एक एन आइन है और इसको बनाने का क्या तरीका है यू कैन फॉर्म इट बाई द रिएक्शन ऑफ सोडियम विद द कॉन्जुकेट एसिड हाइड्रोकार्बन वन थ्री साइक्लोपेंटाडाइन वन थ्री साइक्लोपेंटाडाइन के साथ अगर इस सोडियम uh, को आप रिएक्ट करें टेट्राहाइड्रोफ्यूरान में जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पे तो Uh, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी ये वाली और uh, यहाँ पे सोडियम एज अ केटाइन साथ इसके अटैच हो जाएगा और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो इस तरह से आप साइक्लोपेंडाडाइन एनाइन को प्रिपेयर कर सकते हैं और साइक्लोपेंटाडाइन जो है दैट इज़ फाइव इक्विवेलेंट रेजन स्ट्रक्चर्स द नेगेटिव चार्ज कैन बी डी लोकलाइज टू ईच कार्बन एटम जो साइक्लोपेंटाडाइन आइल का नेगेटिव चार्ज है ये बड़े अच्छे तरीके से हर कार्बन आइटम डीलोकलाइज होता है और इस वजह से आप देखें कि इसके ये जो सारे रेजोने स्ट्रक्चर्स बनते हैं इनकी वजह से ये बहुत स्टेबल एरोमेटिक एन आइन है मतलब इसकी स्टेबिलिटी जो है वो और बढ़ जाती है इसके इतने ज़्यादा रेजोनेस स्ट्रक्चर्स की वजह से एंड दीज स्ट्रक्चर्स शो दैट ऑल कार्बन आइटम्स ऑफ द साइक्लोपेंडाइल एन आइन आर इक्विवेलेंट अब यहाँ से आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात पता चलती है कि ये भी बेंजीन की तरह ऐसा नहीं है कि ये वाले दो डब्ली बॉन्डेड कार्बन हैं ये सिंगली बॉन्डेड है और यहाँ भी लेंथ कोई और होगी ये सारे जो इसके कार्बन आइटम्स हैं ये इक्विवेलेंट हैं और इसको भी आप बेंजीन की तरह एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो कि ये नीचे आपको शो किया गया है मतलब इसके अंदर आप एक रिंग लिख के और नेगेटिव चार्ज इस तरह लिख सकते हैं कि ये पूरे रिंग के ऊपर डीलोकलाइज्ड है जो इसका नेगेटिव चार्ज है अच्छा एन आइंस के अलावा कैटाइंस बी एरोमेटिक हो सकते हैं सो so, uh, कैटाइंस टू मे बी एरोमेटिक लेट्स हैव अ लुक अगर आप ये रिएक्शन देखें साइक्लो प्रोपाइल ये क्लोरो वन क्लोरो सॉरी वन नहीं यहाँ पे वन टू क्लोरो साइक्लोप्रोपाइल जो ग्रुप होगा साइक्लोप्रोपेन है इसको अगर आप एक लिवस एसिड के साथ रिएक्ट करें तो आपके पास uh, साइक्लोप्रोपीना प्रोपीन, प्रोपिनाइल कैटाइन जनरेट होता है ये वाला जिसके ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है दिस एग्जाम्पल इलेस्ट्रेट्स एन नदर पॉइंट अबाउट काउंटिंग विद एम टी पी ऑरबिटल पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बट दे कॉन्ट्रीब्यूट नो इलेक्ट्रॉन टू दाईलैक्ट्रॉन काउंट अब ये देखें ये जो कार्बन है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है ये इसके पास एम्प्टी पी ऑर्बिटल है मतलब उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि जो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी लूज हुआ हुआ है लिहाजा इसके पास पी ऑर्बिटल है सही लेकिन वो एम्प्टी है तो अब इस इसके अंदर भी अगर आप देखें तो रेजोनेंस की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज डी लोकलाइज्ड है लेकिन अगर आप इसका जो फोर एंड प्लस टू रूल इस पर अप्लाई करें तो एन की वैल्यू क्या आएगी इस पर आप देखें इसके पास दो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और दो इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप यहाँ पे एन की वैल्यू में पुट करें तो एन की वैल्यू ज़ीरो आती है जो कि एक इंटीजर है तो इसका मतलब है कि ये वाला कैटाइन बी एरोमेटिक है जिस तरह आपने साइक्लोपेंटा डाइनाइल ए नाइन को देखा वो एरोमेटिक था ये वाला कैटाइन बी एरोमेटिक है और इस तरह से साबित हुआ कि खाली न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स एरोमेटिक नहीं होते ए नाइंस बी एरोमेटिक होते हैं और कैटाइंस बी एरोमेटिक हो सकते हैं द स्टेबिलिटी ऑफ द साइक्लोप्रोपेनाइल कैटाइन डिस्पाइट इट्स कंसिडरबल एंगल स्ट्रेन इज अ पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग टेस्टिमेंट टू द स्टेबलाइजिंग इफेक्ट ऑफ एरोटिस मतलब ये साइक्लोप्रोपिनइल कैटाइन है ये कुछ हद हाँ तक स्टेबल है हालांकि इसके अंदर एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है इसके एंगल्स जो है ना वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा श्रिंक हुए हुए हैं और ये आ, मतलब ओपन होना चाहता है ये इस फॉर्म में नहीं रहेगा लेकिन एरोमेटिसिटी की वजह से ये जो कैटाइन है इसकी स्टेबिलिटी में इजाफा हो जाता है ये नॉर्मल जो साइक्लोप्रोपेन है उससे ज़्यादा स्टेबल हो जाता है तो इससे भी साबित होता है कि ये एरोमेटिक रिंग है ना कैलकुलेटिंग पी पी एलेक्ट्रॉन्स एक्ूरेटली इज़ क्रूशियल फॉर सक्सेसफुल अप्लाइंग द फोर एंड प्लस टू रूल तो जो पायल एक्ट्रॉन्स हैं उनको एक्ूरेटली कैलकुलेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है फोर एंड प्लस टू रूल अप्लाई करने के लिए कि अगर आप पायल एक्ट्रॉन्स को प्रॉपरली नहीं काउंट कर पाएंगे तो फिर आप फोर एंड प्लस टू रूल एक्यूरेटली नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते तो अभी जो हमने रूल्स पढ़े पाए अक्ट्रॉन्स काउंटिंग की उनकी हम समरी देख लेते हैं उनको समराइज़ कर लेते हैं सो टू समराइज नंबर वन ईच एटम दैट इज़ पार्ट ऑफ अ डबल बॉन्ड कंट्रीब्यूट्स वन पाई इलेक्ट्रॉन हर एटम जो डबल बोंड का पार्ट होगा वो एक पाए इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा ये पहली चीज दूसरी विनाइलिक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द पाई इलेक्ट्रॉन अकाउंट जिस तरह आपने पिरीडीन इन के केस में देखा जो विनाइलिक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे या लोन पेयज होंगे दे विल नॉट कंट्रीब्यूट टू द पाए इलेक्ट्रॉन अकाउंट थर्ड वन अलेलिक अनशेयर्ड अलेक्ट्रॉन पेयर्स कंट्रीब्यूट टू अलेक्ट्रॉन्स टू द पाईलेक्ट्रॉन काउंट इफ़ दे आक्यूपाई इन ऑर्बिटल दैट इज पेरल टू दर पी ऑर्बिटल इन द मोलिक्यूल जो अलेलिक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं जिस तरह हमने पायरोल के केस में देखा वो अगर प्रॉपरली पैरल हों दूसरे पी ऑर्बिटल के साथ तो वो भी दो अलेक्ट्रॉन्स पाएलेक्ट्रॉन काउंट में शामिल करते हैं एंड लास्ट इज़ एन एटम विद एन एम टी पी ऑर्बिटल कैन बी पार्ट ऑफ अ कंटिन्यूस एरोमेटिक पाए इलेक्ट्रॉन सिस्टम बट कंट्रीब्यूट्स नो पाए इलेक्ट्रॉन्स जिस तरह हमने साइक्लोप्रोपिनाइल के टाइम के केस में देखा कि अगर पाए एक एमपटी पी ऑर्बिटल बी हो आइटम के पास और वो पैरल हो दूसरे पा पी ऑर्बिटल के साथ तो वो उनके साथ लैब कर सकता है लेकिन कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकेगा क्योंकि वो एम्पटी है लेकिन स्टिल उसकी वजह से सिस्टम एरोमेटिक हो सकता है नेक्स्ट इज एंटी एरोटिक कंपाउंड्स, एंटी एरोटिक कंपाउंड्स हमारे इस सिलेबस का पार्ट तो नहीं है लेकिन जहाँ पे हमने एरोमेटिक कंपाउंड्स को पढ़ा तो इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ज़रूरी है सो कंपाउंड्स दैट कंटेन प्लेनर, कंटीन्यूस रिंग्स ऑफ़ फोर एन पा एलेक्ट्रॉन्स इन स्टॉक कॉन्ट्रास दरोमेटिक कंपाउंड आर स्पेशली अनस्टेबल सच कम्पाउंड आर सेट टू बी एंटी एरोटिक तो इनमें भी इनमें कंटीन्यूस रिंग होना चाहिए और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वहाँ डिफरेंस है फोर एन प्लस टू नहीं है फोर एन उनकी तादाद होगी और जहाँ पे एक एन एक इंटीजर होना चाहिए तो ऐसे कंपाउंड्स जो है ना वो अनस्टेबल हैं और इन कंपाउंड्स को एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं हम एग्जांपल लेंगे वन थ्री वन थ्री साइक्लोब्यूटा की इसको सिंपली आप साइक्लोब्यूटाडाइन भी कह सकते हैं क्योंकि ये पोजिशन वन और थ्री ही हो सकती हैं ये ऐसा कंपाउंड है इसका स्मॉल रिंग साइज़ है जो कि और एसपी टू हाइबाइजेशन है इसके कार्बन आइटम्स की तो इस आ, ये इस वजह से प्लानर नहीं हो सकता मतलब प्लैनरिटी से हट जाता है चूँकि बहुत छोटे एंगल्स हैं इसके तो इस वजह से कार्बन आइटम्स इतने स्ट्रेट नहीं रह सकते और वो थोड़े से प्लान प्लान से हट जाते हैं मतलब प्लानर नहीं रहते और ये कंपाउंड इतना अनस्टेबल है कि ये सिर्फ बहुत लो टम्परेचर लाइक फोर कैलविन पे ही आइसोलेट किया जा सकता है अदरवाइज इसको आप आइसोलेट नहीं कर सकते सो दैट वॉज ऑल अबाउट एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक कम्पाउंड एंड दी दर एंड प्लस टू हक्ल रूल तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक uh, जो है वो समझ आ गया होगा इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस यू कैन पोस्ट एन द कॉमेंट सेक्शन और यू कैन पोस्ट इन योर क्लास रूम तो इनशाला मैं उनका जवाब जो है वो दे दूँगा सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए uh, आप लोग इसको सुने और समझने की कोशिश करें अगर आप लोग ये लेक्चर कम्पलीटली अच्छे तरीके से समझ लेते हैं देन यू विल बी एबल टू जॉइन दी नेक्स्ट लेक्चर एंड अंडरस्टैंड इट वेरी वेल नेक्स्ट लेक्चर में हम इन श्रा एरोटिक कंपाउंडस का नॉमिक लेक्चर भी पढ़ने की कोशिश करेंगे सो so, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़